अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ते संगियो ते भरावो, इसकियां ने नकियाल, इसकियां ने आजाद कश्मीर, इसकियां ने कोटली, इहे जे नज़ारे वेंदे कुन जाए तू बाहर। लेकिन फिर भी परदेसियां भाइयां वास्ते जनाब असां इहे वीडियो बनाए ते भेजी सकने आ। मजबूर लोग असां को मसला नहीं ए तको। इसकियां ने कश्मीर, इसकियां ने जन्नत नज़ीर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत लोग। जनाब चौधरी अमर साहब साढ़े नाल, अंसर दिलजानी ग्रुप ऑफ मेहता सोटा समरोट, बंदा मस्कीन नाल दे नाल विलागर सारे, जनाब बाबू मेहता साहब, बहुत अच्छे नज़ारे। हाँ जी जोई साहब, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने सामने देख सकते हो आप नाज़रीन, आज का व्लॉग हम करते हैं शुरू। हम इस वक्त जनाब नकियाल में आए हुए हैं और यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ की जो जगह है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमारे लोग ज़्यादातर जाते हैं मरी, कागान, नारान, उसके बाद कलाम वैली, इन इलाकों में ज़्यादातर जाते हैं। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ, इस जगह का विज़िट करें और इंशाल्लाह आप खुशी से बाग बाग हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख सकते हो हम इधर आए हुए हैं। ये हमारा एरिया है नकियाल का, हम इधर फिरने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही मज़े की जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है। ये आप कैमरा मैन इनको दिखा सकते हैं, ये पहाड़ों में कैसे धुआँ चढ़ रहा है और यहाँ का जो मौसम देखने वाला है। हम अभी सिजे हुए हैं बिल्कुल, हमारे कपड़े आप देख सकते हैं नाज़रीन। और यहाँ पर जो आदमी एक बार है उसका दिल बहुत करता है इधर आने के लिए। और ये हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं थोड़े थोड़े, तो लिहाजा मैं सबसे अपील करता हूँ कि ऐसी जगह का विज़िट किया करें और अपने लाइफ को एंजॉय बनाएं। और साथ मेरी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि ये इस जगह में थोड़ा सा खर्चा कर दें, थोड़े से पार्क शार्क बना दें, बैठने की जगह अच्छी सी बना दें ताकि इधर टूरिज्म आम हो सके, बंदे इधर आ सकें। लेकिन माशाल्लाह जी रोड़ा ही तड़ियाँ बहुत चंगी हैं, माशाल्लाह बहुत सड़कें हैं ना, वो बहुत ही अच्छी सड़कें हैं। और यहाँ के जो हालात हैं बहुत ही नाजुक किस्म के, बादल गरजता है, पानी आता है, नाला आता है। इसलिए मेरी अपील है सारे से कि इस जगह का विज़िट करें और अपने आप को ज़िंदगी की इंजॉय करें इस जगह पर आके। और वो क्या बिलो रानी कहती है ना कि बारिश आती है तो पानी आता है। 20 साल हमने इधर कटा है, 20 साल हमने इधर कटा है, उसके बाद हम जाकर पीटीआई में वोट दिया है, अभी देगा। तो लिहाजा सारे से अपील है, अभी हमारा हुकूमत जरूर आएगा इंशाल्लाह। हम दरख्वास्त करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बाबर मेहता, तुम्हारा तकने अपना यूट्यूब चैनल दा तको। जनाब गर्मियों का मौसम और इतनी धुंध, तो मौसम जनाब इतना कितना टेम्परेचर सही जी शोई साहब? -6 होना चाहिए ना। ओहो, यानी कि अगर नजर नहीं अच्छा पा क्या सिस्टम है, ये लाइट है तक जी। अच्छा 1 बजे टाइम है और 1:30 बजे टाइम, लाइट तक सो जनाब। ओहो हो, बहुत ही ज़बरदस्त जगह जनाब। क्या नहीं आज का व्लॉग करो हमारे साथ।
जनाब लाई है जी जगह पर रखो तो इस तरह गर्मा गर्म समोसे लभ लो तुम जी जिंदगी में भी आप अगले इतनी मारो नदी के समोसे खाओ ना स्वाद जी कढ़ाई को बड़ी रखो पाई है कौन सा तक देने बाकी जनाब पर सीखा ही मारो जी जगह जनाब जी मजा समोसे खाने ने आई जी जवाब अच्छा फोन सीखा दस अच्छा जी आज 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 मिलते मिलते हसी वादियों में मिलते मिलते हसी वादियों में कुछ हो गया तो क्या करेंगे। लाडली गुड़िया आया था उधरों आया लाडला गुड्डा दबकार All right.